हाय फ्रेंड्स, मैं शहजाद अपना यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन टेक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं ड्रॉप बॉक्स के बारे में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें टाइप करना है ड्रॉप बॉक्स। टाइप करने के बाद डायरेक्टली सर्च कर देना है। हम ऑलरेडी सर्च करके डाउनलोड कर चुके हैं तो डायरेक्टली ओपन करेंगे। आप लोगों को इसको इंस्टॉल करना है। इस एप्लीकेशन का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे ताकि आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस ऐसा शो करेगा। हम ऑलरेडी साइन अप करके लॉग इन कर चुके हैं। आपको सबसे पहले साइन अप करना है, नाम और ईमेल आईडी पासवर्ड जेनरेट करके एक आईडी बना लेना है। हम ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं तो इसका इंटरफेस ऐसा आएगा। ठीक है, इसका यूज ये है कि आप आराम से किसी भी वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, फोटोज और पीडीएफ फाइल, ये सभी फाइल इसमें स्टोर कर सकते हैं क्लाउड बेस्ड पर। इसमें आपको 2 GB का स्टोरेज मिलता है जिसमें आप ये सभी फाइल्स अपलोड करके रख सकते हैं सुरक्षित। कहीं भी आईडी और पासवर्ड डालकर एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको इससे बढ़ाना है तो अपग्रेड फॉर मोर स्पेस पर क्लिक करके, इसमें कुछ चार्जेज होते हैं, उसको चार्जेज पे करके आप बढ़ा सकते हैं। देखिए, स्टार्ट योर 30 डेज फ्री ट्रायल, ये देखिए इतना डॉलर में आपको पड़ेगा 30 दिन के लिए। ठीक है, और नहीं तो आप 2 GB जो है फ्री स्पेस आप हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको होम पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे मान लीजिए आपको प्लस पर क्लिक करना है, प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से टेक ए फ़ोटो लिखा है, आराम से फ़ोटो लेकर डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। स्कैन डॉक्यूमेंट, स्कैन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आप आसानी से ड्रॉप बॉक्स में रख सकते हैं। अपलोड फोटोज और वीडियोज, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी फ़ोटो या वीडियो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, नीचे जो है क्रिएट फाइल और फोल्डर। ठीक है, फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं और आसानी से आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए फाइल्स पे ऑप्शन पर जाएंगे तो जो जो अपलोड किए होंगे फाइल्स यहाँ पे शो करेगा। मैं कोई फाइल अपलोड नहीं किया हूँ तो मैं यहाँ से आप एक को एक अपलोड फाइल करके दिखा देता हूँ। देखिए आप एक, जैसे मान लीजिए ये फोटो हो गया और देखिए आपको ये अपलोड हो रहा है। ठीक है, अपलोड होने के बाद इसमें आपको ये शो करेगा कि अपलोड हो चुका है। डायरेक्टली आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं अपना आईडी और पासवर्ड डालकर। देखिए यहाँ पे अपलोड हो चुका है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज शो करेगा। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पीछे जाकर इसके बारे में और जानकारी देता हूँ। यहाँ पर फ़ोटोज पर जाएंगे तो जो जो फ़ोटो आपको इसमें अपलोड किए होंगे वो शो करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए देखिए अभी अपलोड किए ये शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको इसके माध्यम से आसानी से मतलब 2 GB का क्लाउड आपको मिलता है जिसमें आप इंटरनेट पर आसानी से किसी भी फाइल को रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें।